नालागढ़ में बैंकों की हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है। बैंकों में काम करने की बजाय कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारा लगाकर धरना करते हुए नजर आए। इस मौके पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए हैं और जो उनकी न्यायपूर्ण मांगे थी उनको माना नहीं गया है, इसलिए वे दो दिन की हड़ताल पर हैं और सरकार का रवैया देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है इस समस्या का हल जल्द नहीं होने वाला है, इसलिए वे आने वाले समय में भी और विशाल प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम तिलक राज। सारी बैंकों की हड़ताल है। सारी बैंकों की हड़ताल हड़ताल की वजह थी हमारा जो 5 साल के बाद वेतन ड्यू होता है वो सरकार इसको लिंगर ऑन कर रही है और हमें एक मामूली सा 2% इंक्रीज दे के जो हमारा पिछली बारी भी हमें 15% मिला है उन्होंने हमें मजाक किया है 2% दे के साइड में हो गया। उस वजह से सारे बैंक्स ऑल ओवर इंडिया में सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो बैंक्स दिन रात सेवा कर रहे थे पब्लिक की, आज सरकार की गवर्नमेंट की हुआ सड़कों पर। ऐसे हमारा है भी हमारा एजर्ली पेज रिवीजन किया जाए और एक हमें अच्छा स्केल दिया जाए जो सेंटर को दिया उन्होंने या जो लीडर अपनी अपनी जेब भरते हैं। तो हमारा भी हम भी काम दिन रात करते हैं, हमारे साथी लेट बैठ बैठ के काम कर रहे हैं। हमारा वेज रिवीजन जो है वो एज अर्ली के सिर्फ पे रिवीजन हो रहा था 2017 नवंबर में जो अभी तक डिले हुआ है। रिवीजन से मतलब जो पहले हुआ है उससे बढ़ के मिले या वही रिवीजन मिले? सर आज बैंकों में हड़ताल है तो कितनी दिक्कत पड़ रही है आप लोगों को? या फिर परेशानी हो रही है? आसानी ज़्यादा ये परेशानी किसकी वजह से लग रही है? किसकी वजह से परेशानी है? इस वजह तो आज तो हड़ताल की वजह से, आज तो हड़ताल की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। ये चेक भी नहीं ले रहे इस करके इधर छेती समाधान होना चाहिए। हाँ चेक तो जमा पैन दो, चेक का पान दो, चेक भी नहीं लान दे रहे। सारे बड़ी पब्लिक क्या कर, कितनी की परेशानी हो रही है आप लोगों को? अंदर बैठ गए आप, ये चीज़ बाकी पूजा बाहर खड़ी है। गर्मी बहुत है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।